हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है हमारी प्रिय लेखक प्रिया जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 46 हो चुके हैं। हम देखते हैं हमारी कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 47 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए कब सो गए दोनों को पता ही नहीं चला। अगले दिन जब शिरा कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि रिया पहले से ही उसका गेट पे इंतज़ार कर रही थी। वो आज शिरा को कॉलेज आने में लेट हो गया था। ये सब कबीर की वजह से हुआ था। कल रात कबीर ने उसे बहुत परेशान किया था, जिस वजह से उसे आज सुबह उठने में देर हो गई। जब रिया ने शिरा को देखा तो रिया ने उसे गुस्से में घूरा। रिया को गुस्से में देख कर शिरा ने अपने दांत दिखा दिए। शिरा को ऐसा करता देख रिया गुस्सा और बढ़ गया और फिर वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगी। रिया को वहाँ से ज़्यादा देख शिरा भी उसके पीछे पीछे गई और रिया को रोकते हुए अपने कान पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, सॉरी पक्का पक्का, आज के बाद मैं टाइम से आ जाऊँगी। शिरा की सब ये इतनी मासूमियत से बोला था कि उसे देख कर रिया का दिल पिघल गया। फिर बोली, ठीक है, इस बात मैं तुम्हें माफ़ कर लिया, पर अगर अगली बार ऐसा होगा तो पक्का मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सुनकर शिरा खुश हो गई और अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाने लगी। शिरा को इस तरह बच्चों की तरह खुश होता देख रिया को समझ नहीं आ रहा थी वो कैसे रिया करे। तभी उन्हें कैंपस के अंदर बहुत शोर सुनाई दिया। शोर इतना ज़्यादा था, इतना शोर सुनकर श्रेया और रिया ने एक दूसरे की तरफ़ देखा। फिर उन दोनों ने इधर उधर जाने का डिसाइड किया। वो लोग जानना चाहते थे वहाँ ऐसा भी क्या हो रहा है जो वहाँ से इतनी आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पहुँच कर उन दोनों ने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है। भीड़ इतनी थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दोनों सबको साइड करते हुए रास्ता बनाया और आगे पहुँच गई। आगे पहुँच कर उन दोनों ने देखा कि एक लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ में रोज़ का बुके था। वो अपने सामने खड़ी लड़की को चिल्ला कर बोल रहा था, आज मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने कहता हूँ, आई लव यू सो मच प्रिया। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम प्रिया था उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने अपने आसपास देखा। इतने सारे लोगों को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर प्रिया हिम्मत करके झुकी और उस लड़के से को गले लगा लिया और बोली, आई लव यू टू आकाश। ये सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करने लगे, किस किस किस। ये सुनकर उस लड़के ने उस लड़की को देखा, फिर उसके लिप्स, और फिर उसने पूरे कॉलेज के सामने उसे किस कर लिया। ये सब देख कर ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करने लगे। वही उन दोनों ने एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर वो लड़का लड़की से दूर होते हुए उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम आखिरी बनो। ये सुनकर प्रिया का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया और उसने फिर से आकाश को गले लगा लिया और अपना सिर उसकी छाती में छुपा लिया। वहीं ये सब देख कर श्रेया हैरान हो गई क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। श्रेया सोच रही थी कोई लड़का ऐसा सबके सामने किसी लड़के को किस कैसे कर सकता है। उसने बस सुना था कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को किस करते हैं और किस करके अपना प्यार जताते हैं, कब पर कभी देखा नहीं था, इसलिए उसका हैरान होना लाजमी था। वहीं श्रेया को इतना हैरान देख कर रिया बोली, अरे तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो, ये तो रोज़ की बात है। आए दिन कोई ना कोई लड़का ऐसे ही रोमांटिक तरीके से किसी ना किसी लड़की को प्रपोज करता रहता है। वैसे भी कॉलेज में ऐसा होना आम है। भले ही रिया और सबके लिए ये आम बात होगी पर श्रेया के लिए नहीं। उसे सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से जो कपल शादीशुदा हैं वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं जैसे कबीर उसे करता था, पर कबीर उसके साथ किस से ज़्यादा भी करता था और वो ऐसा क्यों करता था उसे नहीं पता। शहर ने कभी ऐसा माहौल देखा देखा नहीं था। भले ही वो इस शहर में पली बड़ी हो पर उसे इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। फिर वो रिया की तरफ़ देखते हुए बोली, वो दोनों एक दूसरे के किस कर कैसे कर सकते हैं वो भी सबके सामने। श्रेया की बात सुनकर रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि आजकल तो ये हम आम बात है। फिर उसने श्रेया से पूछा, क्या तुमने ये पहली बार देखा है ऐसे किसी को किस करते हुए। ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये सुनकर रिया हैरान हो गई। रिया फिर से बोली, क्या तुम मूवीज़ नहीं देखती हो, मूवीज़ में भी तो ऐसा ऐसे ही दिखाते हैं। श्रेया मासूमियत से बोली,
मैं तो आज तक कोई मूवी भी नहीं देखी। और ये सच था, पहले जब वो अपने नकली पेरेंट के साथ रहती थी तो उसे वहाँ पर टीवी देखने या कोई भी डिवाइस यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। और अब जब वो कबीर के साथ थी तो वो टीवी पर सिर्फ कार्टून ही देखती थी। इसके लिए उसे उसके लिए सब कुछ नया था। ये सुनकर रिया के पास कहने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं। तभी रिया के दिमाग में कुछ आया। उसने श्रेया की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता था? ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसने ये वर्ड पहली बार सुना था, इसलिए उसने अपना सिर ना हिला दिया। ये सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज की दुनिया में भी कोई ऐसा हो सकता है जिसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। वैसे भी श्रेया कोई बच्ची तो थी नहीं, वो एक एडल्ट थी। आजकल तो हर चीज़ हर किसी को पता होता है इस बारे में। बहुत लोग तो इसके बारे में खुल के बात भी करने लगे हैं। रिया का हैरान होना लाजमी था, क्योंकि वो लोग कोई गांव से नहीं रहते थे जहां इसके बारे में बात ना होती हो। पर आजकल के तो गांव में भी इसके एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। और श्रेया को सूरत में रहते हुए उसके इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर रिया ने फिर श्रेया से कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब तो आम बात नहीं थी। उसने आज श्रेया को सिर्फ एक BMW उसने आज श्रेया को एक BMW से आता देखा था, जिसे देख के पता चल रहा था कि श्रेया एक अमीर परिवार से आती है। रिया एक बहुत होशियार लड़की थी, उसे समझ आ गया था कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए फिर उसने श्रेया से कुछ नहीं किया। उसे श्रेया पहले ही मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। अब उसे समझ आया कि ऐसा क्यों था। श्रेया को बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तभी उन्हें अपने पीछे के से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन दोनों ने पीछे पलट के देखा तो पाया वीर उनकी तरफ आ रहा था। वीर को वहाँ देखकर श्रेया रिया से बोली, रिया मैं क्लास में जा रही हूँ। ये बोलकर वो रिया को जवाब देने सुनाई ही वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कभी कल की तरह उस पर गुस्सा करे। पर श्रेया जा पाती उससे पहले ही वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो क्यूटी? वीर ने अपना हाथ वीर का अपना हाथ पकड़ते देख श्रेया हैरान हो गई। वो वीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की लगी, क्योंकि आज तक कबीर के अलावा किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा था। और वैसे भी उसे कबीर के अलावा किसी का भी खुद पर छूना पसंद नहीं था। और कबीर को भी ये पसंद नहीं था कि श्रेया उसके अलावा किसी कोई और छुए। पर श्रेया की ताकत वीर के सामने कुछ भी नहीं थी। ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्रेया रोते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए। श्रेया को इस तरह तो रोता देखकर वीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वीर के हाथ छोड़ते ही श्रेया दौड़ के वहाँ से ली गई। श्रेया को इस तरह रिएक्ट करता देख वीर को बहुत अजीब लगा। उसने रिया की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ गलत किया? रिया ने अपना सिर ना हिला दिया। फिर वीर से बोली, तू उस लड़की से दूर रहे, वो तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे वो कोई आम लड़की नहीं है। ये बोल के वहाँ से ली गई। वीर को समझ नहीं आया कि रिया ने ऐसा क्यों कहा, पर उसे पता था कि जो भी हो वो बोलेगी वो उसके भले के लिए ही होगा। और क्या होगा जब कबीर को इसके बारे में पता चलेगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 47 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।